नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 12 रुपये और 330 रुपये वाले ऐसे दो दो लाख के दो बीमे दे रही है। इसमें क्या होता है, आगे मैंने आपको बताया था 12 रुपये में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, मतलब एक्सीडेंट में मौत होती है तो 2 लाख रुपये आपको मिल जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 330 रुपये में जो 2 लाख का बीमा है उसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट है, कैसे इसको अप्लाई करना है, अगर कुछ होता है तो कैसे उसको क्लेम करना है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा रिलेटेड यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ए इंश्योरेंस स्कीम का नाम है लाइफ इंश्योरेंस, 2 लाख रुपए का 330 रुपए में, मतलब इससे सस्ता कोई इंश्योरेंस मार्केट में है ही नहीं। अगर आपका इंश्योरेंस है नहीं है तो आज ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कॉन्टेक्ट करके आपका इंश्योरेंस ले लीजिए। इसमें आपको एक सिंपल फॉर्म फिलअप करके देना है और आप ऑनलाइन अगर मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अभी देख लेते हैं इसमें एक्चुअल बीमे में है क्या। इस योजना अंतर्गत भाग लेने वाले लोगों को 55 साल की उम्र किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। मतलब 55 साल तक कुछ भी होता है, कोई भी कारण से मृत्यु होती है तो उनके परिवार को 2 लाख रुपया यहाँ पे मिलने वाला है। आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा एक बेनिफिट है, काफ़ी अच्छी स्कीम है। साल के 330 रुपये कटेंगे आपके खाते में। अभी हम आगे देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी प्लान नागरिकों की न्यूनतम आयु 18 साल और मैक्सिमम आयु 50 साल होनी चाहिए और इस पॉलिसी की परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी 55 साल है। मतलब इसका क्या मतलब है, 18 साल से 50 साल तक के जो भी लोग हैं वो इंश्योरेंस ले सकते हैं 18 से 50, और वो 55 तक चलेगा। मानो कि आपकी उम्र 48 है तो आप इंश्योरेंस ले सकते हो, फिर 55 तक चलेगा, 55 तक आपको कुछ भी होता है तो आपके नॉमिनी को 2 लाख दिया जाएगा। लेकिन आप 50 क्रॉस कर गए हैं यानी कि 51 है आपकी उम्र तो आप ये इस योजना में एंटर नहीं हो सकते। यानी कि 50 साल के नज़ीक जितने भी 48-47 वाले जितने भी लोग हैं वो आज ये इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि 2-3 साल बाद फिर आपको ये नहीं मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पात्रता, इसमें क्या क्या होना चाहिए। एक तो पहले एज हम देख लिया हमने, 18 से 50 साल एज होनी चाहिए। इसे टर्म प्लान के अंतर्गत 330 रुपया आपके खाते से कटेगा, हर साल आपके खाते से 330 रुपया कटेगा। अकाउंट, इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक को अकाउंट होना अनिवार्य है, मतलब आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी आपको होता है तो जो दो आपका नॉमिनी, आपकी वाइफ, आपका फादर या आपका सन, कोई भी नॉमिनी क्लेम करेगा तो वो पैसा आपके बैंक खाते में आएगा, इसलिए आपका बैंक खाता अनिवार्य है। और हर साल प्रीमियम कटेगा वो भी आपके बैंक अकाउंट से कटेगा। सब्सक्राइबर को हर साल 31 मई से पहले ऑटो डेबिट खाते में जरूरी बैलेंस रखना होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। 31 मई से पहले, एक दो दिन पहले जनरली ये पैसा कट जाता है प्रीमियम का, इसलिए आपको खाते में मिनिमम 330 रुपये तो रखना ही है, जैसे उसका प्रीमियम टाइम टू टाइम कट सके। ये ऑटो डेबिट है, आपको कुछ नहीं करना है, हर साल ऑटोमेटिक कटेगा। इसकी कुछ मुख्य बातें हम देख लेते हैं। खरीदने के लिए किसी भी प्रकार की मेडिकल की जांच की जरूरत है या नहीं, मतलब आपको कुछ भी है, कोई भी मेडिकल जांच आपको यहाँ पे कराई नहीं जाएगी। आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी है, आप आसानी से सिंपल एक फॉर्म भर के आप अप्लाई कर सकते हो। ये हमने देखा मैच्योरिटी 55 साल है, 55 साल तक ये बीमा चलता है। हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, मतलब ऑटोमेटिक रिन्यू होगा, आपको खाली बैलेंस रखना है खाते में, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बीमा की रकम 2 लाख है, हमने आगे देखा, अगर कुछ भी होता है मतलब डेथ हो जाती है तो आपको आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिल जाएगा। इसका पीरियड यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जून से 31 मई, मतलब एक साल ये चलेगा, 330 रुपया कटेगा। एक साल के बीच कुछ भी होता है तो आप क्लेम कर सकते हो, फिर अगले साल कटेगा आपका प्रीमियम। एनरोलमेंट करवाने के 45 दिन तक आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब आपने इंश्योरेंस लिया और 1.5 महीने तक आप कुछ भी होता है तो आप क्लेम नहीं कर सकते, 1.5 महीने बाद अगर कुछ भी होता है तो आप क्लेम कर सकते हो। अभी महत्वपूर्ण बात यह आती है कि प्रधानमंत्री ये जीवन ज्योति बीमा है उसका क्लेम कैसे करें। क्लेम में जिस व्यक्ति का बीमा करवाया गया उसकी मृत्यु होने के बाद उसका नॉमिनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति का क्लेम कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ होता है तो आपका नॉमिनी, वाइफ, फादर, जो भी है वो क्लेम कर सकता है। पहले पॉलिसी धारक को बैंक में संपर्क करना पड़ेगा, आपको बैंक में जाना है, सिंपल बैंक तरफ से आपको फॉर्म दिया जाएगा और एक लिस्ट भी दिया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, अगर हॉस्पिटल में कोई डेथ हुई है कोई रोग के कारण तो उसमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह में तो FIR, ऐसे आपको एक लिस्ट दिया जाएगा, उस हिसाब के आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है।
यहाँ पे आप देख सकते हो एंड डिस्चार्ज रसीद लेनी होगी बैंक से, फिर नॉमिनी को क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, कैंसिल चेक, फोटोग्राफ जमा करवाने होंगे। फिर आप ये सब डॉक्यूमेंट अटैच करके आपकी एक फोटोग्राफ, आपकी बैंक अकाउंट की जेरोक्स, ताकि वो जो पैसा होगा वो आपके खाते में आ सके, वो सब लेके आपको सबमिट करवा देना है सिंपल, और आपके खाते में सीधा पैसा जमा हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर से ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।